हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी? उम्मीद है सभी अच्छे होंगे। दोस्तों, आज मैं आपके लिए एक बहुत ही खास ट्यूटोरियल बनाया हूँ, जिसमें आज आप अपने ब्लॉग पर विजिटर को इंक्रीज करने का एक टेक्निक सीखेंगे। जी हाँ दोस्तों, ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट है हर ब्लॉगर के लिए, तो इसे ध्यान से ज़रूर देखें। देखिए, जब मैं अपने ब्लॉग पर जाता हूँ तो आपका ब्लॉग जो है केवल वैसे यूज़र नहीं पढ़ेंगे जिनको इंग्लिश आता है, वैसे भी यूज़र पढ़ेंगे जिनको इंग्लिश नहीं आता है, दूसरा लैंग्वेजेस आता है लाइक उर्दू पढ़ते हैं, वो केवल हिंदी पढ़ते हैं, तो उनको उनके लैंग्वेजेस में आप ब्लॉग को कैसे शो करेंगे? ऐसा तो नहीं है कि आप हमेशा हर बार आप अलग अलग लैंग्वेजेस में टाइप कर सकते हैं। तो मैं आपको सिंपल और इफ़ेक्टिव वे बताता हूँ, जिससे कि आपको टाइप तो करना है इंग्लिश में, आप शो करेंगे इंग्लिश में, लेकिन यूज़र विजिटर आपके ब्लॉग को इजीली किसी भी लैंग्वेज में कन्वर्ट करके पढ़ सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, किसी भी लैंग्वेजेस में कन्वर्ट करके पढ़ सकते हैं। तो कैसे करेंगे? तो सिंपली देखिए, मैंने एक ट्रांसलेटर ऐड किया है और यहाँ पर क्लिक करता हूँ तो मेरे पास नंबर ऑफ लैंग्वेजेस यहाँ पर ओपन हो गए, और जिस लैंग्वेजेस में मुझे पढ़ना है मैं सिंपली उस लैंग्वेजेस में क्या करूँगा, क्लिक कर दूंगा। सपोज मुझे हिंदी में पढ़ना है, मैं हिंदी सेलेक्ट करूँगा। जैसे मैंने हिंदी सेलेक्ट किया, ये आपका हिंदी में शिफ्ट हो गया। अब कोई भी यूज़र यहाँ पर जाके हिंदी में भी वो पढ़ सकता है। जी हाँ दोस्तों, दूसरे लैंग्वेजेस में मैं आपको कन्वर्ट करके बताता हूँ, मेरे साथ बने रहे। मैं आपको क्विक बताऊंगा इसको कैसे ऐड करेंगे, कैसे अप्लाई करेंगे। जैसे मैं उड़िया यहाँ पे सेलेक्ट किया, जैसे मैंने उड़िया सेलेक्ट किया, देखिए आपका लैंग्वेज जो है वो उड़िया में शिफ्ट हो गया है। तो इस तरह से क्विकली आप किसी भी अदर लैंग्वेजेस में कन्वर्ट कर सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, मेरे साथ बने रहें। चलिए, तो मैं आपको बताता हूँ कि आखिर में ये ऑप्शन हम इनेबल करेंगे कैसे और इसको कैसे अप्लाई करना है। तो सिंपली आप अपने ब्लॉग के डैशबोर्ड पे चले जाए। जब आप अपने ब्लॉग के डैशबोर्ड पे आएंगे तो आपके पास लेफ्ट साइड में एक लेआउट का ऑप्शन होता है। जी हाँ दोस्तों, लेआउट के ऑप्शन पर जाएंगे। लेआउट के ऑप्शन पर जाने के बाद आप यहाँ पे सबसे पहले फाइंड करें कि आपका ट्रांसलेटर पहले से तो अवेलेबल नहीं है। तो यहाँ पे ट्रांसलेटर मुझे कहीं पर भी नहीं दिख रहा। अगर आपको ट्रांसलेटर दिखता है तो डायरेक्ट आप इस ऑप्शन पर जाएंगे और सेव कर लेंगे। अगर आपको ट्रांसलेटर नहीं दिखता है तो आप क्या करेंगे, ऐड अ गैजेट पर क्लिक करेंगे। ऐड अ गैजेट पर क्लिक करने के बाद ये आपको डिफरेंट टाइप के गैजेट्स प्रोवाइड करता है, डिफरेंट फीचर्स उसके हैं। तो मैं आपको सिंपली ट्रांसलेटर के बारे में बता रहा हूँ, बाकी सब ऑप्शंस में वन बाय वन मैं आने वाले वीडियोज में बताऊंगा जो भी इम्पोर्टेंट होगा। सबसे पहले मैं आपको ट्रांसलेट ऑप्शन के बारे में बता दूँ, तो सिंपली आपको यहाँ पर प्लस ऑप्शन पर क्लिक करना है, सो ट्रांसलेट आएगा। यहाँ पर टाइटल आपको जो भी लिखना है वो आप यहाँ पर लिख सकते हैं, ठीक है, इस तरह से आप लिख दे। अब यहाँ पर डिफरेंट वेज है, डिफरेंट मोड से आपको किस तरह से शो कराना है, तो कोई भी ऑप्शन ले ले। देन आपको इसको क्या करना है, सेव पर क्लिक कर देना है। जब ठीक है, ये आपका ट्रांसलेटर ऐड हो गया यहाँ पे पेज पर। ट्रांसलेटर ऐड होने के बाद आपको सिंपली क्या करना है, अब इसको कहाँ पर शो कराना है। तो मुझे इसको शो कराना है सबसे ऊपर, पेज के सबसे ऊपर होना चाहिए। तो इसको आप सिंपली ड्रैग करके हेडर वाले ऑप्शन पर ले जाएंगे, हेडर वाले ऑप्शन पर ड्रैग करके छोड़ देंगे और सेव अरेंजमेंट पर क्लिक कर देंगे। सेव अरेंजमेंट करने के बाद सिंपली आपको क्या करना है, व्यू ब्लॉग पर जाना है। व्यू ब्लॉग पर जैसे ही आप जाएंगे आपका जो पेज होगा वो शो करेगा, और देखिए यहाँ पर ये जो कंटेंट है ये शो कर रहा है, इसका आप कलर वगैरह चेंज कर सकते हैं। यहाँ पे क्लिक करेगा कोई भी यूज़र और उसका लैंग्वेज को सेलेक्ट करेगा तो आपका जो ब्लॉग होगा वो डायरेक्टली क्या होगा, हिंदी में शिफ्ट हो जाएगा। अब कोई भी यूज़र आपके ब्लॉग को हिंदी में या फिर जिस लैंग्वेजेस में उसको रीड आउट करना है, उसको पढ़ना है, वो किसी भी लैंग्वेजेस में उसको डायरेक्टली कन्वर्ट कर सकता है। बस एक सिंगल क्लिक से आपका ब्लॉग जो होगा वो कन्वर्ट हो जाएगा। इससे आप अपने विजिटर को पढ़ा सकते हैं, क्योंकि विजिटर को उसके लैंग्वेज में आप कंटेंट प्रोवाइड कर रहे हैं, ये बहुत ही बेस्ट ऑप्शन होता है। तो उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। तो मेरे साथ इसी तरह से बने रहे, मैं आपको सिंपल और अट्रैक्टिव वीडियो ब्लॉग से रिलेटेड प्रोवाइड करते रहूँगा। और भी मेरे यूट्यूब चैनल में डिफरेंट टाइप के वीडियोज़ अवेलेबल हैं, जैसे कि वर्ड, एक्सेल, पावर पॉइंट, और जल्द ही मैं आपको डिफरेंट और भी बेहतरीन ट्यूटोरियल देने वाला हूं। तो इसी तरह से मेरे साथ बने रहें। थैंक यू वेरी मच टू ऑल माय सब्सक्राइबर जिन्होंने मेरा वीडियो लाइक किया है, शेयर किया है, कमेंट करते हैं मेरे वीडियोस पे, उनको बहुत बहुत धन्यवाद। और आगे भी इसी तरह से आपका सहयोग बना रहेगा तो मुझे बहुत हेल्प मिलेगी और मोटिवेशन मिलेगा, ताकि मैं अच्छे कंटेंट्स आपको प्रोवाइड करता रहूँ। थैंक यू वेरी मच, हैप्पी लर्निंग।